फ्रेंड्स, यह है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेशन। इसमें आज हम कर रहे हैं सेट नंबर 188, एनडीए एग्जाम्स 2010 में ये हुआ होगा। उसमें आई हुई 10 कॉमन एरर को आज हम देखते हैं। यस, बहुत इजी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत शानदार एरर एनडीए के एग्ज़ाम में आती है, क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम में से एक उसको गिना जाता है, एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम्स को, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी का ही महत्व है। आगे भी इंटरव्यू भी बड़ा उसका स्पेशल रहता है अंग्रेजी को लेकर के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ये शानदार हो सकता है आपके लिए। और दूसरी बात, अपना लेवल वो बना लीजिए आप ग्रामर का, कि फिर एग्ज़ाम कोई सा भी हो आपके सामने समस्याएं ना हो, और कोचिंग की तो जरूरत पड़े ही ना आपको। यस, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ऐसा मटेरियल पढ़ा रहा हूँ कि उसके बाद फिर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी, और अगर आप जाएंगे भी तो फिर आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे उस चीज़ से। कह रहे हैं कि लेट अस कंग्रेचुलेटेड हिम हिज फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। चलिए उसको कंग्रेचुलेट करते हैं उसकी सफलता के लिए उसके एग्जामिनेशन के। कंग्रेचुलेशन के साथ में आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन कंग्रेचुलेशन के साथ में हमेशा आती है ऑन। क्या आती है? कंग्रेचुलेशन ऑन, किसी को किसी चीज़ के लिए बधाई देना, कंग्रेचुलेशन ऑन। यस, तो यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन हो गई कि कंग्रेचुलेशन ऑन, तो यहाँ इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे HANDI लिखा है, हैंडी। मैंने इस बुक से जो है अपने खुद के प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, और उस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे फिक्स नहीं है जिनके बाद ये है कि इसके बाद यही आएगा और उसके बाद यही आएगा उसके बाद यही आएगा। उसके लिए मैंने एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है हैंडीकैप रूल, और रूल्स भी मैंने अलग से बना रखे हैं। उसमें फिक्स हैं कुछ रूल कि इसके बाद हमें सही आता है, इसके बाद हमें सही आता है, उसके बाद हमें सही आता है, और उसकी प्रैक्टिस सेट भी अलग से बनाई हुई है। वो प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन है। अगला, मैनी पीपल प्रिफर टू ट्रेवल बाय द रोड बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। अब यहाँ आप समझिए एक चीज़ को, कह रहे कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आया करता है। ऐसा मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने के बाद अगर लगाओ आर्टिकल ए या एन में से कोई भी एक, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो समस्या है वो ये नहीं है, क्योंकि मैंने के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब भी है, टू ट्रेवल बाय द रोड बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। यहाँ समस्या जो है वो ये है, ध्यान दीजिएगा, यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले बाय लगा हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते। यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले कोई आर्टिकल सॉरी बाय लगा हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। यस, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर रोड तो कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सही बात है, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, जैसे कि बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, ऐसे। लेकिन अगर इनसे पहले यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले लगा हो इन या ऑन, तब आप दा लगा सकते हैं, जैसे कि इन द कार, इन द टैक्सी, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऐसे। यहाँ पे मैं दा लगाना भूल गया, आप दा लगाएंगे इस तरह से। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, टैक्सी बिरादरी के लिए कोई ऐसा वाहन जिसमें चढ़ने के लिए आपको स्टेयर्स का यानी कि जिन्ने का इस्तेमाल ना करना पड़े, आप उसके लिए लगाएंगे इन, और कोई ऐसा वाहन जिसमें चढ़ने के लिए आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़े
उसके लिए लगाते हैं आप ओन, क्या लगाते हैं उसके लिए ओन, इसलिए मैंने ओन द बस या ओन द ट्रेन लिखा। हालांकि घोड़े और साइकिल के लिए भी आप ओन लगाते हैं, क्या लगाते हैं ओन। यहाँ पे आपका बाय के साथ में दा नहीं आएगा क्योंकि यातायात के साधनों से पहले अगर बाय लगाओ तो उसके बीच में दा नहीं आता है, बाय द रोड कहना गलत हो जाएगा। शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ इंजॉय वैन शी केम टू नो दैट शी हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब। यहाँ पे शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ इंजॉय, इंजॉय की जगह यहाँ पे विद जॉय होगा जिसका मतलब होता है खुशी से, खुशी में नहीं खुशी से। शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद जॉय, वह खुशी से झूम उठी, ऐसा कहना चाह रहा है। यहाँ पे इन की जगह विद होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मदर टिंग, सॉरी टिंग कह रहा हूँ, मदर टंग इज अ इज एज नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैंस माइंड एज मदर्स मिल्क इज द इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी। इन्फेंट बोलते हैं छोटे बच्चे को। मदर टंग उतना ही नेचुरल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैंस माइंड, मनुष्य के मन के लिए, जितना मदर्स मिल्क माँ का दूध बच्चे के विकास के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, काकी के अर्थ में अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे तो नहीं है। यस, आपको भी नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर है आपका 6, सॉरी 5। यस, द मिनिस्टर एज वेल एज हिज सेक्रेटरी वर। यहाँ सेंटेंस जुड़ा है एज वेल एज से, तो ये छोटा सा एक रूल है। यदि सेंटेंस जुड़ा हो एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, दो नाउन या दो प्रनाउन जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। उसने कहा आपसे द मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, हालांकि सेक्रेटरी भी सिंगुलर ही है लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो समस्या हो जाती। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सेक्रेटरीज, तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आप वोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे आप वोज। याद रखें ऐसे में पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी है, ये बात आप ध्यान रखें। यस, हालांकि आप तो सिंगुलर था इसलिए आप बच गए, बच सोच सकते हैं कि सिंगुलर सिंगुलर लगा दीजिए लेकिन कई बार समस्या खड़ी हो जाती है, बहुत बढ़िया वाली। नेक्स्ट है द स्पीकर वॉज नॉट ओनली स्लो बट ऑल्सो इनऑडिएबल। स्पीकर न केवल स्लो बल्कि ऑडिएबल भी था। यहाँ पे एज वेल भी आ गए, उसको देखा ही नहीं, बस मिल गई गलती। यस, नॉट ओनली बट ऑल्सो तो यहाँ पे है ही, साथ ही साथ उसने एज वेल का भी इस्तेमाल किया, तो ये हो गया आपका सुपरफ्लूस। क्योंकि एक जैसे किसी भी दो कैटेगरी के वर्ड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। मैं अक्सर आपको बताता हूँ प्रैक्टिस सेट के दौरान कि डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंटरोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल अवेस्ट ऑफ नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो एक जैसे फंक्शन के हैं वो दो एक साथ नहीं आते, जैसे कि री वाले वर्डों के साथ में कभी भी बैक या रिटर्न, बैक या अगेन नहीं आता क्योंकि रिवर्स का मतलब ही बैक या अगेन होता है। इस तरह से उनमें से आपका जैसे कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ में आप एज वेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सेम मीनिंग इसका है और सेम ही मीनिंग इसका है। दो सेम कैटेगरी के वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, कभी नहीं आता है, ध्यान रखें आप। यहाँ पर गलती होगी आपकी एज वेल की। द क्राउड सर्ज फॉरवर्ड टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट लीडर। भीड़ जो है सर्ज फॉरवर्ड आ गया, ठीक है, सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया यानी किस तरह पास में चल रही है। टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट लीडर, क्राउड के लिए देर लगाया, ये भी ठीक है। सेंटेंस प्रो ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये भी ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। देयर इज अ डिस्टिंक्टिव पॉसिबिलिटी दैट ही विल लीव द जॉब वंस द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। सबसे पहली बात तो ये कि सिंटेक्स पूरा प्रेजेंट चल रहा है, इज आ गया, विल आ गया, फिर इज आ गया, तो स्टोरी पूरी प्रेजेंट में चल रही है। यस, उसके बाद एक बात और ध्यान रखें, देयर के बाद जो वर्ब आती है, देयर के बाद आने वाली वर्ब वो देयर के हिसाब से नहीं, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। यस, देयर के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आती, देयर आपका एक
इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। क्या है ये आपका? इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। इसके अंदर वर्ब लेने की हिम्मत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं ऐसे, देयर इज अ गर्ल और देयर आर टू गर्ल्स, तो अ गर्ल के हिसाब से इज, टू गर्ल के हिसाब से आर। साथ ही साथ ये आपका रिवर्सेबल भी है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अ गर्ल इज देयर, और इसे भी ऐसा कर सकते हैं, टू गर्ल्स आर देयर। यस, रिवर्सेबल भी सब्जेक्ट होता है ये। तो सेंटेंस ठीक है, नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मैनी स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। ये सबसे पहले ही सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल बाय करती है। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन प्लूरल बाती है, लेकिन मैनी के बाद अगर लगाओ आर्टिकल ए या एन में से कोई भी एक, तो फिर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर बाय करता है। यहाँ यही हुआ, मैनी के बाद आर्टिकल लगा अ, सिंगुलर नाउन लगा है स्टार, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी इज़, ना कि आर। तो यहाँ गलती होगी आपके इसी पार्ट में, यहाँ पे इज़ आएगा। यस, सेंटेंस नंबर 10, हालांकि नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उसको यहीं अंकित कर रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 10 मैंने यहीं उतार दिया आपका, जैसे कि आसानी हो जाती मुझे भी वीडियो को क्लियर बताने में। आपको कह रहा है कि वी डिस्कस द प्रॉब्लम सो थ्रोली, वी का हाथ सेकेंड फॉर्म लगाया, सेंटेंस को पास्ट में ले जाया गया, तो सेंटेंस अब पूरा पास्ट में ही चलना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। सो वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सो थ्रोली दैट आई फाउंड, फाउंड सेकेंड फॉर्म में फाइंड की, यानी कि पास्ट में है, आई फाउंड इट इजी टू वर्क इट आउट। तो यहाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, यानी कि ये सेंटेंस आपका नो एरर डिपेंड है, ये सेंटेंस चला जाएगा आपका नो एरर पर। यस, इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। ये था आपका एनडीए का सेट्स जो 2010 में आया था, सेट नंबर 188, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर से, पेज नंबर 376। जिनके पास बुक हो वो चेक कर सकते हैं, हालांकि इस बुक के खूब सारे वर्जन आ चुके हैं, बहुत सारे वर्जन। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अक्सर मुझसे बुक का सजेशन मांगते हैं, तो मैं उनसे सुझाव दूंगा कि ये तीन बुक्स, यहाँ पर बिल्कुल भी आप मेरे बात को किसी भी तरह से नेगेटिव मत ले जाना कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सुझाव दे रहा हूँ खाली। रूल्स के लिए देखिए, आप हमारी वीडियोस देख लीजिए बहुत सारी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रूल्स किस तरह से पढ़ा जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि रूल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अच्छा पढ़ा रहे होंगे। हम मेरी यानी कि हम लोगों की जो सबसे बड़ी पावर वो है प्रैक्टिस सेट, हमारे जो मैथ के सारे वो भी प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जीके वाले भी, रीजनिंग वाले भी, और मैं खुद इंग्लिश पर भी। तो मैंने जो अपने रूल्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, वो प्रैक्टिस सेट को सोल्व करके, लगभग 30 से 40 ईयर्स के हमने पहले प्रैक्टिस सेट सोल्व करे करवाए, उसके बाद में हमने देखा कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, उसके डिपेंडिंग पे हमने रूल्स बनाए हैं, बहुत अच्छे रूल बनाए हैं। हमारा पीडीएफ आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। यस, उसका छोटा सा एक अमाउंट देना पड़ता है, इसलिए मैं पहले बता दूं। कभी आप मैसेज करें फिर मैं बताऊं, तो आप कहेंगे सर आप तो अपने नोट्स बेचने में लग गए। दूसरी, अगर आपको किताब लेनी है तो आप पढ़िए सिर्फ और सिर्फ अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये ग्रामर की दूसरी वो किताब जो मुझे सबसे अच्छी लगी। यस, और तीसरी बात, अगर आपको पढ़नी है बुक तो आप पढ़िएगा सिर्फ और सिर्फ एमबी बुक प्रैक्टिस के लिए। ऐसा मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को इन बुक से कोई पैसा मिल रहा है या फिर मेरे से कोई कमीशन है, बस अच्छी किताब है तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ किताबें। ये मेरा ही फर्ज बैठता है आपको सही रास्ते पर ले जाना, आपको सही बात बताना। तो ये तीन किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, खासकर आपके इंग्लिश को लेकर के। यस, फिलहाल ये तीनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रूल्स सबने नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन अपने रूल से ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही है मेरी वीडियो के माध्यम से। पढ़िए, काफ़ी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे कल।
अगली वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शबक है, गुड नाइट।